मुंबई से नवे पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह बोलता है, थेट जाया। यही है जो हमारे प्रेडिसेसर श्री बर्वे ने अच्छा काम किया उसको जारी रखना। लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में इस समय एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है, तो अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो रहा है, उसे आगे बरकरार रखना, मेंटेन रखना एक बड़ी जवाबदारी रहेगी। मेरी टीम मेरे साथ है, सो हम मिलजुल कर आई थिंक वी विल बी एबल टू प्रोवाइड गुड लॉ एंड ऑर्डर। ऑल्सो एक और जो प्रायोरिटी रहेगी, स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल में रखना, कंट्रोल में है, आगे भी कंट्रोल में रखना। महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ी प्रायोरिटी है हमारे लिए, हमेशा से रही है, और महिलाएं चाहे दिन हो चाहे रात हो, किसी भी समय सुरक्षित महसूस करते हुए कहीं भी आ जा सकें, कोई अड़चन ना आए, कोई असुरक्षा की भावना निर्माण ना हो, ये एक हमारा प्रायोरिटी एरिया है। कुछ पीछे सक्सेसेस अंडरवर्ल्ड के खिलाफ बड़ी सक्सेसेस मिली हैं पीछे पुलिस को, तो उन सक्सेसेस के ऊपर बिल्ड करना, और जो कुछ बचे कुछ एलिमेंट्स हैं अंडरवर्ल्ड के, उनके ऊपर भी काबू लाना एक बड़ी प्रायोरिटी मुंबई पुलिस की और मेरी पर्सनली रहेगी। और उसके लिए मुझे, मेरी जो पूरी टीम है, एक मुंबई पुलिस का परिवार है, उनका साथ लगेगा। टीम वर्क मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा से रहा है, तो मैं अपनी टीम को साथ लेकर चलूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरी टीम मेरा पूरा साथ देगी, सीनियर ऑफिसर्स हों या कर्मचारी हों, पूरे उनसे मेरा पुराना नाता है, मैंने उनके साथ काम किया हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो एक दुनिया की सबसे अच्छी फोर्सेज में मुंबई पुलिस मानी जाती है, वो किसी भी चैलेंज को मीट करने में दे विल राइज टू द चैलेंज, और इस शहर को हम बहुत ही एक अच्छी पुलिसिंग दे पाएंगे, सुरक्षा का माहौल दे पाएंगे। तो कार्रवाई हमारी क्राइम ब्रांच कॉम्पिटेंट है, पुलिस स्टेशन कॉम्पिटेंट हैं, मिलजुल कर हम कोशिश करेंगे बड़े बड़े केसेस भी क्रैक किए जा सकें, लेकिन उसके लिए मुझे ये भी पहले मानना पड़ेगा कि बड़े केसेस हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़े गैंगस्टर या बहुत बड़े रैकेटियर्स इस समय ऑपरेट करते हैं। अगर कोई इस प्रकार का रैकेट सामने आता है, विषय उस पर क्रैकडाउन किया जाएगा। इस समय माहौल अच्छा है, मेरे प्रेडिसेसर्स ने, टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है, और उसी कार्य के ऊपर हमको बिल्ड करना है, और मुझे विश्वास है ऐसा अच्छा कार्य। कुछ ही गतिविधि पर कंट्रोल पाना, तो कौन सी आपको लगता है बची कुछ गतिविधि? स्पेसिफिक्स में जाना उचित नहीं होगा इस स्टेज पर, लेकिन बड़ी सक्सेसेस मिली हैं, आप सभी को मालूम है, और जो बचे कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ गैंगस्टर्स हैं, कुछ छोटे मोटे गैंगस्टर्स भी जो बड़े गैंगस्टर का नाम लेके धमकियां देते हैं, एक्सट्रॉशन की कोशिश करते हैं, कार्रवाई उनके विरुद्ध जारी रहेगी, और निश्चित ही जल्दी जो बची कुछ एक्टिविटी है उसे काबू में कर लेंगे। जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जिस प्रकार से प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन किया है, वो जारी रखा जाएगा। डिटेल्स और इन्वेस्टिगेशन में जाना नहीं चाहूंगा, मुझे जानकारी भी नहीं है, ब्रीफिंग लूंगा, लेकिन एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन जो इसमें अब तक हुआ है उसको जारी रखा जाएगा। मुंबई में भी सीए को लेकर कुटिया स्तर पर कुछ गतिविधियां हो रही है, तो कैसे इसको हैंडल करेंगे सर, क्योंकि अभी तक वहां से हटाया नहीं जा सका? प्रोटेस्ट करना लोगों का एक डेमोक्रेटिक अधिकार है, जब तक कि वो कानून नहीं तोड़ते, कुछ हिंसा पर नहीं उतरते, किसी भी व्यक्ति का कानूनी अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है प्रोटेस्ट करना, पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे, और अगर बाकी आम आदमियों की जिंदगी में अगर वो कोई बाधा नहीं बनता है तो लोगों का राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन उनसे अपील यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, कानूनी तरीके से अपने राइट को एक्सरसाइज करें। मैं एग्जामिन करूंगा, डिटेल मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसा मैंने कहा है, प्रोटेस्ट करना किसी का अधिकार है, लेकिन कानून को तोड़ना किसी का भी अधिकार नहीं है, तो कानून के दायरे में रहते हुए जो प्रोटेस्ट करेंगे उसके बारे में उनके साथ सहकार्य करते हुए मुंबई पुलिस कार्य करेगी। जो मैं अलर्ट्स के बारे में भी जानकारी लेना चाहूंगा, और उसके बारे में जो भी चैलेंजेस हैं उसको किस प्रकार से अभी तक संभाला है मुंबई पुलिस ने, आगे क्या कार्रवाई करनी है, मेरी टीम से कंसल्ट करते हुए आवश्यक कार्रवाई उसमें की जाएगी। मुंबई आई थिंक स्ट्रीट क्राइम वाइज दुनिया के सबसे सेफ शहरों में से गिना जाता है,
भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे जो अधिक सेफ शहर हैं उसमें माना जाता है। जो कुछ थोड़े बहुत चेन स्नैचिंग या इस प्रकार के गुने होते हैं उनको भी कर्ब किया जाएगा। रोड रॉबरीज या बैग स्नैचिंग के कुछ गुने होते हैं उन्हें कर्ब किया जाएगा। बट मुझे नहीं लगता कि मुंबई की स्ट्रीट अनसेफ है। मुंबई दुनिया के सबसे सेफ शहरों में से एक शहर माना जाता है। जिस तरह से आए दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं, पुलिस का आधा समय जो है इन्वेस्टिगेशन पर भी फोकस रहे, उसको लेकर क्या करें? तो लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा इन्वेस्टिगेशन से सेपरेट करना, तो ये तो एफर्ट पहले से जारी है। लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए कुछ सेपरेट हर पुलिस स्टेशन में स्टाफ भी, इंस्पेक्टर रैंक का भी अधिकारी दिया जाता है, क्राइम के लिए अलग अधिकारी दिया जाता है, और ऐसी कोशिश की जाएगी कि लॉ एंड ऑर्डर की जो ड्यूटी है उसका असर क्राइम के इन्वेस्टिगेशन पर ना पड़े। हम गवर्नमेंट जिस प्रकार से हमको इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट से मिलेंगे उस प्रकार से कार्य किया जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि हमें कोई अड़चन किसी प्रकार की। सर, मराठी पंचायत को उत्तर अपेक्षित है।